हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का कॉन्सेप्ट सांगची मूवी के ऊपर है और ये फोटो कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। जो लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ गाइस अभी चेकआउट कर लेना और फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हम कुछ इस तरह का दोनों फोटो क्लिक करना होता है, उसके बाद उसको हम बनाएंगे कुछ इस तरह का जो कि रियल मूवी पोस्टर लुक देगा, ठीक है। और आपको भाई आज इजी में सिखाने वाला है कि इजी में जब मतलब कि शॉर्टकट में कैसे अच्छा सा पोस्टर डिजाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। और गाइस इस फोटो को आप लोग क्लिक करने में कुछ इस तरह का पोज देना होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया फोटो क्लिक करना। उसके बाद इस फोटो को मैं कौन सा आइडिया मतलब क्या सोच के इसको बनाया हूँ, किस टाइप का बनाया हूँ और ये सब बैकग्राउंड पीएनजी मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले जो लोग अभी न्यू देख रहे हो चैनल को, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स आने वाला है, ठीक है। तो चलो गाइस हम सीधा चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, उसके बाद आपको सब आगे का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा फ़ोटो को चूज़ किया था उसको कॉन्सेप्ट बनाने में। तो हम सीधा यहाँ पर सर्च करेंगे सांगची पोस्टर, ओके। अब उसके बाद हम इमेज पर जाते हैं, देन आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये वाला देख सकते हो मेरे फ़ोटो में, मतलब कि मेरे फ़ोटो से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, तो मैं इसको सोच के वो वाला पोस्टर बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला हो गया, देन हम डाउनलोड करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं यहाँ पर wall.alphacodes.com ये वाला साइट पर जाते हैं, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे सांगची, देन करेंगे सर्च। अब उसके बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हो मैं जो यहाँ पर ड्रेस पिन पहना हूँ, जो जैकेट है जो कि उसका ड्रेस है, तो मैं ये वाला इसको मैं यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, देन हम नेक्स्ट चलते हैं देवेंद्र आर्ट पर। अब उसके बाद यहाँ पर सीधा सर्च करेंगे सांगची, तो सर्च क्यों करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ फोटो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो ये वाला है, तो मैं इसको यूज़ किया हूँ, ये वाला इसको यूज़ किया हूँ। अब उसके बाद ये जो लोगो है इसको मैं ये वाला लोगो यूज़ किया हूँ, देन नेक्स्ट ये जो भैया है उसको भी यूज़ किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। देन हमको चाहिए ये वाला चाहिए, तो हमको पहले इसको बैक करना है। और हाँ, ये जो स्टॉक जो भी भाई दिए हो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग स्टॉक नहीं देते तो मैं अच्छा सा पोस्टर नहीं बना पाता, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हमको चाहिए ये वाला चाहिए, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमको मैं ये वाला यूज़ नहीं किया था, दूसरा किया था, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो आप लोग देख सकते हो ये वाला मैं इसको यूज़ किया हूँ, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसका काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट है और ये वाला, तो इसको हमको डाउनलोड करना है, देन हम ऊपर जाएंगे सीधा। ओके, तो यहाँ पर फिर से जाते हैं, मैं बोलना भूल गया था। अब उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये वाला फोटो जो कि अच्छा रेजुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिंग है, ये जो मैं यूज़ किया हूँ ये वाला रिंग, इस फोटो को देख के मतलब कि इस फोटो से कट करके मैं यूज़ किया था, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, और ये वाला पार्ट सभी जगह मिल सकता है, सभी जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं भी डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने नहीं सोच रहा कि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ओके। अब उसके बाद हमको चाहिए ये वाला ब्रिज, वो वाला चाहिए, तो हम सीधा चलते हैं अनस्लैब्स पर। ओके, अब यहाँ पर हम सीधा सर्च करेंगे ब्रिज। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको ओपन करते हैं,
देन स्क्रॉल डाउन करेंगे आप देख सकते हो बहुत सारा ब्रिज आ गया है। आप लोग आपके रिगार्डिंग आपके हिसाब से यूज़ कर लेना जो भी आपको पसंद है, और पसंद नहीं आए तो मेरा स्टॉक भी यूज़ कर लेना, ठीक है। तो गाइस इसका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद सीधा चलते हैं फोटोशॉप में और अच्छा सा एक पोस्टर डिजाइनिंग करेंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से और शॉर्टकट में, ठीक है। तो सीधा चलते हैं फोटोशॉप में। ओके दोस्तों, फोटोशॉप में आने के बाद हम पहले ये वाला बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। ओके, अब उसके बाद ये जो सांची का ड्रेस कस्ट्यूम है उसको ऐड करेंगे। तो मैं इसको पहले से ही ऐड कर चुका हूँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अब उसके बाद मेरा जो हेड है उसको मैं ऑलरेडी कट कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग भी उस इस हिसाब से आपको अभी कट कर लेना, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं जूम करूँगा और इसका हेयर को थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है। ओके गाइस, तो इसको मैं हेयर को थोड़ा बड़ा कर चुका हूँ, उसके बाद इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे, मतलब कि कॉस्ट्यूम को बॉडी के साथ, मतलब कि कॉस्ट्यूम और फेस को एक साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हमने ऐड कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं, देन यहाँ पर हम इसको शैडो देंगे। तो इसको ड्रैग डाउन करेंगे और कलर को हम ब्लैक रखेंगे, देन ब्रश को सॉफ्ट वाला ब्रश रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम हल्का हल्का इसको शैडो देंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो हेड है उसको क्लिक करते हैं, देन हम चलते हैं सीधा कैमरा रो फिल्टर में। अब उसके बाद इसको क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाएंगे। ओके, अब करेंगे ओके, अब सही है। देन इसको राइट क्लिक करके इसको मर्ज विजिबल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसको हम ओरिजिनल जो बैकग्राउंड है वहां लेके चलते हैं और इसको थोड़ा हम पहले फिट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये वाला जो ब्रिज है उसको ऐड करेंगे। तो इसको हम पहले एक न्यू लेयर लेते हैं, देन इसको कलर करेंगे, थोड़ा ब्लू टोन देंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, देन इसको ड्रैग डाउन करेंगे और इसको भी पहले फिट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया। उसके बाद इसका ओपासिटी को, मतलब फील को कम करेंगे, बस इतना सही है। देन उसके बाद इसको भी हल्का हल्का मिरेस करेंगे जो कि रियलिस्टिक लुक दिखे। ओके गाइस, तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पर एक न्यू लेयर लेते हैं, देन उसके बाद इसका ब्लेंड मोड रखेंगे हम लाइटन और ये वाला कलर चूज़ करेंगे, थोड़ा लाइट कलर। अब उसके बाद ओपासिटी को कम करेंगे और हल्का हल्का यहाँ ब्रश करेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमको ये दोनों विलेन को ऐड करना है, तो पहले इसको ऐड करते हैं। तो इसको भी हम पहले फिट कर देते हैं। ओके, इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला भाई को ऐड करेंगे।
तो इसको भी हम पहले फिट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये जो हमने लाइट किए थे उसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मोकी दिख रहा है, उसको ठीक से नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा हम इरेज करेंगे यहाँ से। ओके, अब सही है। अब उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये वाला भाई सबको। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब उसके बाद इसका फिल को थोड़ा कम करेंगे। ओके, अब सही है। अब उसके बाद इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये वाला सिटी को। ओके गाइस, अब उसके बाद इसको हम थोड़ा फिट कर लेते हैं। ओके, अब सही है। अब उसके बाद इसका फिल थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी हम नीचे से हल्का हल्का इरेज करेंगे। ओके गाइस, अब सही है। अब उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये वाला, तो इसको लेके आते हैं। ओके, अब उसके बाद इसको टॉप पर रखेंगे। देन इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं पहले, मतलब कि फिट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो मॉडल है वहाँ पर क्लिक करेंगे एक, और इसके बाद एक न्यू लेयर लेते हैं। देन ब्लेंड मोड रखेंगे हम लाइटन, और ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम हल्का हल्का यहाँ पर लाइट करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, उसके बाद उसको बाद में करेंगे बाकी का। देन यहाँ पर और एक न्यू लेयर लेते हैं, और अभी ब्लेंड मोड रखेंगे कलर, और इसको मॉडल को थोड़ा ब्लू करेंगे, मतलब कि ब्लू टोन देंगे। ओके, अब सही है। अब उसके बाद इसका फिल को हल्का सा थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, बस इतना ही। अब उसके बाद इमेज पर जाते हैं और एडजस्टमेंट एंड ब्राइटनेस पर जाएंगे। देन नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट को हम इनक्रीज करेंगे, और यहाँ ब्राइटनेस को हल्का सा 2 या 3 तक रखेंगे, ठीक है। अब करेंगे ओके। अब उसके बाद ये जो कलर है उसको थोड़ा सा कम करेंगे फिर से। ओके, अब सही है। अब उसके बाद ये दोनों पर भी हम सेम कलर करेंगे, ये दोनों को भी हम वही ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद ये वाला, इसको भी हम यहाँ पर जाते हैं और इसको भी कंट्रास्ट बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को भी हल्का सा, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे अभी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको ऐड करना है मेरा ये सर, नेक्स्ट दूसरा वाला सर, उसको ऐड करना है, तो इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, और इसको सबसे टॉप पर रखेंगे। ओके, अब उसके बाद इसको भी हम थोड़ा फिट कर लेते हैं पहले। ओके दोस्तों, ये हो गया।
अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बच गया थोड़ा सा, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रैग डाउन करेंगे, ओके, बस अब सही है। अब उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये वाला लाइट को ऐड करेंगे, तो इसका कलर हम थोड़ा ब्लू करेंगे, ठीक है। तो हमको जाना है इमेज पर, उसके बाद एडजस्टमेंट और यहाँ पर हुई एंड सैचुरेशन पर जाना है, देन इसका कलर हम ब्लू करेंगे, ठीक है। ओके, इतना सही है। उसके बाद करेंगे ओके, और इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद जिसका ब्लू है, मतलब कि ये वाला भाई का ब्लू है, उसको रखते हैं यहाँ पर, और इसका ब्लेंड मोड हम रखेंगे कलर डॉर्ज, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम ये जो बॉर्डर दिख रहा है, मतलब कि इसका जो पार्ट है, उसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो सब उससे पहले हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ओके। अब उसके बाद इसको हम इरेज कर लेते हैं, ओके। ओके, अब सही है। अब उसके बाद ये जो ये वाला है, उसको हम थोड़ा यहाँ पर ये जो हार्ड दिख रहा है ना, उसको हल्का हल्का मिरर्स करेंगे। सॉफ्ट जब दिखेगा तभी अच्छा लुक आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम हल्का हल्का इरेज करेंगे, तो ओपेसिटी को हम कम रखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद मॉडल पर क्लिक करेंगे ये वाला, और उसके बाद एक न्यू लेयर लेते हैं। देन अभी हम ये वाला कलर डॉर्ज को सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड मोड को, और हम यहाँ पर हल्का हल्का कलर करेंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब उसके बाद कलर को हम चेंज करेंगे, ये वाला कलर चूज़ करेंगे, ओके, मतलब कि ऑरेंज टाइप चूज़ करेंगे। देन यहाँ पर भी हल्का हल्का ब्रश करेंगे, ओके। ओके, अब उसके बाद एक न्यू लेयर लेते हैं। देन अभी ब्लेंड मोड रखेंगे हम स्क्रीन पर, और उसके बाद अभी फिर से हल्का हल्का ब्रश करेंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, ये वाला ब्लू करेंगे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर भी हम हल्का हल्का ब्रश करेंगे, ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पर हमको ये वाला पार्ट नीचे, तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, अब सही है। अब उसके बाद जूम करेंगे थोड़ा, देन हमारा जो ये वाला पार्ट है, मतलब कि हेड है, उसको क्लिक करेंगे और एक न्यू लेयर लेते हैं। देन अभी ब्लेंड मोड रखेंगे ओवरले। अब उसके बाद यहाँ पर कलर चूज़ करेंगे वाइट कलर, और उसके बाद यहाँ पर ग्लो करेंगे थोड़ा, नहीं ज़्यादा ही ग्लो करेंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर कलर ये वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये वाला जो लाइट है, जो कि उसके मेरे फेस पर आ रही है, ठीक है। तो ये भी अच्छा लुक आ रहा है, ओके। अब उसके बाद ये वाला, मतलब कि ये लाइट है, उसको हम यहाँ पर जाते हैं और हुई एंड सैचुरेशन, देन इसको हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है, ऑरेंज और रेड टाइप का ये वाला, ठीक है, ऑरेंज और येलो, ओके। तो इसको लेके आते हैं यहाँ पर और दूसरे साइड में ऐड करेंगे, तो ड्रैग डाउन करते हैं पहले। अब उसके बाद इसको भी हम कलर डॉट्स पर रखेंगे, ब्लेंड मोड को। अभी देखते हैं इसको कैसा लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो इसको हम पहले लाइटन और स्क्रीन करके देखते हैं, स्क्रीन से ये, देन इसको भी हम फिट कर देते हैं थोड़ा। ओके, अब सही है। अब उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है, उसको हम इरेज कर लेते हैं,
ओके गाइस, तो ये हो गया, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं, देन यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक न्यू लेयर लेंगे। देन अभी हम ब्लेंड मोड को रखेंगे फिर से स्क्रीन पर। अब उसके बाद अभी करेंगे ब्लू, ओपेसिटी को कम करते हैं, कम रखते हैं। देन यहाँ पर हम ब्लू करेंगे, ओके। अब उसके बाद मॉडल पर क्लिक करते हैं और एक न्यू लेयर लेते हैं और ब्लेंड मोड को हम रखेंगे कलर टॉर्च, देन मॉडल पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सीधा अप्लाई करेंगे, ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद और एक न्यू लेयर लेते हैं और अभी ब्लेंड मोड रखेंगे हम ओवरले। अब उसके बाद मॉडल पर सेलेक्ट करेंगे, देन अभी थोड़ा लाइटन करेंगे, ओके। अब उसके बाद ओपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, देन ब्रश करेंगे अभी, ओके गाइस, अभी सही है। अब उसके बाद हमारा जो ये भाई साहब है उनका जो रिंग है वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसको हम पहले ग्लो करते हैं। तो हम न्यू लेयर लेते हैं और अभी ब्लेंड मोड रखेंगे हम लाइटन। अब उसके बाद ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, देन एक एक करके सभी रिंग पर हम लाइट करते जाएंगे, ठीक है, ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद और एक न्यू लेयर लेंगे और अभी ब्लेंड मोड रखेंगे ओवरले। अब उसके बाद इसको थोड़ा बेक रखेंगे कलर को और अभी ओपेसिटी को 100 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद सभी रिंग पर फिर से ग्लो करेंगे, ओके गाइस, अभी ग्लो कर रहा है। देन उसके बाद और एक न्यू लेयर लेते हैं और अभी फिर से ब्लेंड मोड को ओवरले रखेंगे और उसके बाद ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। देन यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक ब्रश करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मॉडल को मतलब किए वाला उसको सेलेक्ट करेंगे और एक न्यू लेयर फिर से लेंगे, देन अभी ब्लेंड मोड रखेंगे कलर डॉर्ज। अब उसके बाद ये वाला कलर रहने दीजिए, देन हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अभी ओपेसिटी को कम रखते हैं और यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके गाइस, अब सही है। अब उसके बाद हमको ऐड करना है ये वाला, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। देन हमको यहाँ पर बस ये वाला चाहिए जो यहाँ पर प्लेन है हेलीकॉप्टर्स, उसको हम ऐड करते हैं, ओके। अब उसके बाद इसको सीधा टॉप पर लेके चलते हैं और उसके बाद इसको हम पहले फिट कर देते हैं, ठीक है, ओके, अब सही है। अब उसके बाद ये जो पार्ट हमको नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ओपेसिटी को थोड़ा हल्का कम करेंगे और उसके बाद ये वाला इरेज कर लेंगे, ओके गाइस, अब सही है। अब उसके बाद मॉडल पर क्लिक करेंगे और एक न्यू लेयर लेते हैं और इसका ब्लेंड मोड रखेंगे कलर, देन मॉडल को सेलेक्ट करेंगे ये वाला। अब उसके बाद फिर आप देख सकते हो फेस पे ब्लू टोन नहीं दिख रहा है, मतलब कि सूट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमको फिर से ब्लू करना होगा। तो इसको हम पहले थोड़ा हल्का सा ब्लू करते हैं, ओके, अब सही है। अब उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं, ओके गाइस, तो ये हो गया। अब उसके बाद कहाँ चलेगा ये वाला, ये जो समुराई है उसको हम पहले ढूंढते हैं, ओके, तो इसको सेलेक्ट कर लेना। देन हम चलते हैं इमेज पर और यहाँ पर हम चलेंगे
यहाँ पर कर्व्स पर, ठीक है। तो इसको हम इसको मतलब कि डाउन करेंगे और इसको हाई करेंगे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद करेंगे ओके। अब नेक्स्ट थोड़ा जूम करेंगे और ये वाला जो हमने ऐड किए हैं उसको हम क्लिक करेंगे और हमको थोड़ा यहाँ पर इरेज करना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, मेरा हाथ ही यहाँ पर रुका था तो इतना ही कट हो पाया। तो उसके लिए इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब सही है। अब उसके बाद ये दोनों को हम मिक्स कर देते हैं एक साथ। ओके, अब उसके बाद एक न्यू लेयर लेंगे, देन हम यहाँ पर थोड़ा हल्का सा शैडो भी देंगे, ठीक है। ओके, अब सही है। ओके गाइस, अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है मतलब कि ये वाला, उसको हम पहले इसको थोड़ा कॉपी करेंगे और उसके बाद इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर फिट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब सही है। अब उसके बाद इसको हम राइट क्लिक करके इसको मर्ज विजिबल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये जो रिंग, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको एक एक करके ऐड कर लेते हैं पहले। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया, मतलब कि हम ऐड कर चुके हैं। अब उसके बाद इसको भी राइट क्लिक करके मर्ज विजिबल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर जाके कलर बैलेंस पर जाना है और थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना है। तो इसको हम थोड़ा ब्लू टोन देंगे। ओके, अब सही है। उसके बाद इसको हम मर्ज डाउन कर लेते हैं, देन हमको जाना है इमेज पर और एडजस्टमेंट एंड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा इनक्रीज करेंगे, ओके। उसके बाद करेंगे ओके। ओके, अब नेक्स्ट ऐड करना है हमको डॉर्जेंट वन थोड़ा ऐड करना है, ठीक है। तो न्यू लेयर लेते हैं और अभी ब्लेंड मोड रखेंगे ओवरले। अब उसके बाद यहाँ पर हम हल्का हल्का डॉज एंड वो बर्न इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो कलर को रखेंगे ब्लैक और ओपासिटी को कम रखेंगे, देन हल्का हल्का ब्रश करेंगे, ओके। ओके गाइस, तो ये हो गया। उसके बाद इसको हम मस्ट डाउन कर लेंगे, देन और एक न्यू लेयर लेते हैं। अब उसके बाद ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और अभी ओपासिटी को 1 रखेंगे। अब उसके बाद इसको हल्का हल्का मतलब कि फेडेड लुक देंगे, ठीक है। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा काम बच गया है, इसको हम मस्ट डाउन कर लेते हैं, देन एक न्यू लेयर लेते हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वाइट दिख रहा है, तो इसको ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपासिटी को 100 रखते हैं, देन यहाँ पर हम ब्रश कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब उसके बाद इसको मस्ट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमको ऐड करना है ये वाला लोगो, ठीक है। ओके,
अब उसके बाद इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और साइड में फिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फोटो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ मेरे वीडियो सब देखो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।